सुना है नफरत बहुत इतनी है, शायद कभी तेरी सुलगती संस्कृतियाँ थी मेरे शहर से हर रोज गुजरती सुना है नफरत बहुत है तुझे शायद तभी तेरी सुलगती सांसों की आंधी मेरे शहर से हर रोज गुजरती है तेरी धड़कने बिजली की करज बन मेरे कानों में गूंजती है सुना है नफरत बहुत है तुझे शायद तभी उन बादलों के पीछे सुर्ख आंखें लिए तू अपनी मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाता है कि इश्क बन तू मेरी कलम का हाल दिल तू कागज पे बयां कर जाता है सुना है नफरत बहुत है। कभी कभी ना जिंदगी की राहों में तुम एक मुसाफिर यूं ही टकरा जाता है। वैसे तो तुम्हें हजारों मुसाफिर मिलते पर उस एक मुसाफिर में ना एक खास बात होती है, एक अलग बात, पता क्या? एक सुरूर। तुम्हें ना उसका सुरूर चढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें उसमें मोहब्बत होती है, पर वो सुरूर कमबख्त मोहब्बत से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। फिर एक वक्त आता है जब वो मुसाफिर कुछ एक मोड़ पे चला जाता है, बस पल दो पल का साथ होता है, पर वो पल दो पल भी ना बहुत खूबसूरत होते हैं। तुम्हारे पास कोई हक नहीं होता उसे रोकने का, तो तुम्हें जाने देना होता है। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में भी एक मुसाफिर आया। उसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उसने ना जाने कितने झूठ कहे मुझसे, हजार झूठ कहे, पर जब उसे पता चलता कि उसका झूठ पकड़ा गया है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, और वो मुस्कुराहट ना बहुत खूबसूरत जो सीधा दिल में तीर की तरह लग जाती थी। फिर एक वक्त आया जब उसे जाना था, रोकने का कोई बहाना ना था, तो उसे जाने दिया। फिर खुदा से दुआ है कि काश वो जिंदगी की राह में मुझे फिर एक बार यूं ही मिल जाए, कहीं टकरा जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। साल बीतते गए, फिर एक वक्त आया जब वो मुझे फिर मिला मेट्रो में। उसने मुझे देखा और ऐसे मुस्कुराते हुए हेलो बोला, और मैंने भी मुस्कुराकर हेलो कहा, और उसने कहा कॉफी? ना करने की कोई वजह तो थी नहीं, कहा चलो। जहां नेहरू प्लेस पे हमने बैठ के दाहिनी तरफ कॉफी पी थी ना, तो उसे छोड़कर वो जगह आज भी याद है। आज भी जब वो मेट्रो से वो जगह जाती है ना, उस जगह से गुजरती है, तो वो पल एक बार फिर जहन में दौड़ती। कॉफी पीते पीते न जाने से कितनी बातें थी जो उसे बतानी थी, जो कहना तो था कि इतने साल से जो मेरे जहन में थे, आज उसके सामने खुली किताब की तरह उसके सामने खोल कर रख देना चाहती थी। चाहती थी कि वो एक एक अक्षर पढ़े, पर कहानी उसे सब कुछ बताना तो था, सब कुछ कहना तो था कि उस रोज जब तुम जा रहे थे ना, मेरी सुर्ख आंखें तुम्हारी आंखों में झलकती ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। कहना तो था कि तुम्हारा हाथ थाम कुछ देर और चलना है, तुम्हारी आंखों में एक और बार सच पढ़ना है। तुम उसे 100 दफा झूठ कहना, मैं 100 सच तुम्हारी आंखों में पढ़ूंगी, पर एक बार और एक झूठ कह जाओ। कहना तो था ओए आई लव यू, कभी कहना सकते। उस दिन जो हमारी दरमियान में जो खामोशी थी ना, वो आज भी हर रोज हर रात मेरे कानों में गूंजती और कहती है कि काश तेरे अल्फाजों ने तेरा साथ दिया होता, क्योंकि वो कभी मुझे पढ़ ना सके। खुदा से फिर दुआएं कि काश एक और बार वो फिर मुझे मिले और जो कहना पाई थी वो सब कह दूं, पर अब दिल नहीं चलता। अब दुआ थोड़ी सी रिप्लेस हो गई है,
कि अब तो मुझे कभी ना मिले, नहीं तो लिखने की वजह खत्म हो जाएगी। ये मनिहार भी ना जाने कहाँ गुम सा गया है। मनिहार पता है सबको कौन होते हैं? मनिहार होते हैं जो चूड़ियां बेचते हैं। और ये एक सोल्जर की वाइफ है जो बात कर रही है अपनी फ्रेंड से, गांव में है वो, बोल रही है कि अपनी फ्रेंड को बोल रही है कि ये मनिहार भी ना जाने कहाँ गुम सा गया है। देखो ना सखी, कलाई सूनी पड़ी है। ये मनिहार भी ना जाने कहाँ गुम सा गया है, देखो ना सखी, कई दिनों से कलाई सूनी पड़ी है। वो आएंगे तो नाराज हो जाएंगे, वो आएंगे तो नाराज हो जाएंगे। एक मेरी चूड़ियों की खनक ही तो है जो उन्हें मेरे पास होने का एहसास दिला दे। शुक्रिया। और